प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ को देंगे तोहफा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम। जनवरी 2023 तक बन जाएगी यूनिवर्सिटी। यूपी के सीएम योगी ने की थी 14 सितंबर 2019 को विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा। पेगासस जासूसी मामले ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक स्थगित। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 दिन का दिया समय। राहुल गांधी ने की नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग। कहा, छात्रों की परेशानी को देखते हुए भी सरकार अंधी हो गई है। ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी AIMIM। यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पत्नी शाहिस्ता परवीन सहित हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल। शाहिस्ता परवीन को ओवैसी ने दिलाई सदस्यता। जेल में आती 2022 के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण कार्ड खेल रही मायावती। लखनऊ प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंची मायावती, लग रहे जय श्री राम के नारे। करनाल में किसानों की महापंचायत आज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी अनुमति। सुरक्षा के हुए पूरे इंतजाम। SDM के विरोध में है ये महापंचायत। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। लगाया घर में नजरबंद करने के आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार को तेजस्वी ने बताया ढकोसला। कहा, सीएम के निर्देश पर JDU विधायक को बचाया गया। हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा, आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, आप सरकार को दें ज्ञापन। आज होने वाली कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। 28 सितंबर को होंगी परीक्षाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने दिए निर्देश। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने दिया अफगान सैनिकों को बड़ा ऑफर। मौजूदा सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहता है तालिबान। भारत में रूसी राजदूत निकोले कुशादेव ने किया आग्रह, कश्मीर में फैल सकता है तालिबानी आतंकवाद, तालिबान को भी अभी मान्यता देना जल्दबाजी। अगस्त में चीन का व्यापार बढ़ा, एक साल पहले की तुलना में 25.6% बढ़कर 294.3 अरब डॉलर पर पहुंचा निर्यात। 33.1% बढ़कर 236 अरब डॉलर पर रहा आयात। 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर होगा बड़ा ऐलान, तालिबान बना सकता है सरकार। अमेरिका में 9/11 के बाद ही अफगानिस्तान में शुरू हुई थी लड़ाई। चीन ने भारत से लगती सीमा की निगरानी करने वाली सैन्य कमान का नया प्रमुख किया नियुक्त। जनरल वांग हेई जियांग को बनाया नया कमांडर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी 4 अन्य सैन्य अधिकारियों को जनरल की रैंक पर पदोन्नति। गुजरात सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिली सौगात। सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के DA में 11% की बढ़ोतरी। गुजरात में महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% होगा। सिविलियन सपोर्ट स्टाफ के 634 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी मौका। पंजाब पुलिस आज सिविलियन सपोर्ट स्टाफ पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को बंद कर देगी। पंजाब पुलिस की ऑफिशियल साइट पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। अभिनेता वरुण धवन के विज्ञापन पर मचा हंगामा। मूल माचो ने लगाए लक्सकोजी पर आरोप। कहा, वरुण धवन का ऐड उनके पॉपुलर 2007 ट्विंग ऐड से मिला जुला है, तो एक यूजर ने वरुण पर लगाए अश्लीलता फैलाने के आरोप। बिग बॉस OTT से एलिमिनेट हुई अक्षरा सिंह ने करण जौहर पर उठाए सवाल। वायरल हुआ वीडियो। कहा, जिन ऑडियंस के सवालों को लेकर करण जौहर ने उन्हें लताड़ा था वो लोग दर्शक नहीं बल्कि टीम के मेंबर थे। ओवल के मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। 157 रनों से हारी इंग्लैंड। भारतीय टीम ने लहराया जीत का परचम।